हेलो गाइस गाइस, यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। प्रॉब्लम गाइस ये है कि हम जिस पर भी कोई हमें एसएमएस कर रहा है वो इस टाइम हमें एक्टिव नाउ दिख रहा है, यानी कि सबके सब हमें एक्टिव नाउ दिख रहे हैं। रियलिटी ये है कि इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो समझेंगे कि एक्टिव है, आप इसको एसएमएस भेजेंगे, बट ये कोई रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि ये एक्टिव ही नहीं है। यहाँ पर इंस्टाग्राम आपको एक्टिव दिखा रहा है लेकिन हकीकत में ये एक्टिव नहीं है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो और ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है ये भी बता देता हूँ। ये इंस्टाग्राम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे मोबाइल में टाइम एंड डेट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं टाइम एंड डेट की प्रॉब्लम को सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ और अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाता हूँ। सेटिंग्स में हमें टाइम एंड डेट मिलेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आपको जाना है और यहाँ पर आपको टाइम एंड डेट मिल जाएगी, तो इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 11 सितंबर, जबकि जो ये वीडियो बन रही है ये 20 सितंबर की बन रही है, यानी कि टुडे पर। और यहाँ पर मैं इसको 20 तारीख पर लगा देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। और जस्ट आपके लिए अच्छा होगा कि आप ऑटोमेटिक टाइम एंड जोन पर क्लिक करें, ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट पर क्लिक करें, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम को मैं दोबारा खोल लेता हूँ और अपने मैसेजेस पर जाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमें टाइम दिखने लगा है कि कोई कितनी देर पहले ऑनलाइन था, आपने कितनी देर पहले एसएमएस किया, ये एक्टिव है या एक्टिव नाउ है, ये सब कुछ बता दिया। पहले एक्टिव नाउ बता रहा था, अब टाइम इसने बताना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कब एक्टिव था, कौन कब एक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।